हरदोई जिला अस्पताल वैसे तो विगत वर्षों से नेगेटिव खबरों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार व जिला अधिकारी पुलकित खरे की मेहनत जिला अस्पताल के मरीजों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। जिला अस्पताल में आज जिला अधिकारी पुलकित खरे व विधायक रजनी तिवारी के नेतृत्व में फीता काटकर सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया है, जिसके माध्यम से अब परेशान गरीब असहाय मरीजों को लखनऊ दौड़ना नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में जिला अधिकारी के मुताबिक अन्य सुविधाओं से भी शहर के जिला अस्पताल को उत्कृष्ट किया जाएगा, जिससे मरीजों का समुचित इलाज हो सके। हरदोई के पंडित रामदयाल त्रिवेदी जिला चिकित्सालय में आज सिटी स्कैन मशीन का जिला अधिकारी पुलकित खरे और बीजेपी विधायक रजनी तिवारी ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस दौरान विधायक रजनी तिवारी ने कहा, यह सिटी स्कैन मशीन हमारे हरदोई जिले के लिए सरकार के द्वारा दी गई एक बहुत बड़ी सौगात है, जिसका उद्घाटन जिला अधिकारी CMS की मौजूदगी में हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देने का संकल्प लिया है, जिसके लिए यह एक कदम है। यह हरदोई के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं जिला अधिकारी पुलकित खरे ने कहा, हरदोई जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन का शुभारंभ हुआ है। गरीबों का लखनऊ जाने में समय लगता था, धनराशि खर्च होती थी। गरीब मरीजों के धन और समय का व्यय नहीं होगा। आने वाले समय में डायलिसिस हरदोई जिला अस्पताल में स्वीकृति हो गई है, उसकी शुरुआत हो जाएगी और डायलिसिस के मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ पीको, जिसमें छोटे बच्चों की केयर होती है जो शिशु जीवन से संघर्ष कर रहे होते हैं, उसके लिए स्पेशल यूनिटी जिला अस्पताल में जल्द ही लगने वाली है। राज्य सरकार ने स्वीकृत कर दिया है, उसका भी हम लोग शुभारंभ कराएंगे। आने वाले समय में जिला अस्पताल को और भी सुदृढ़ बनाया जाएगा। इस दौरान जिला अधिकारी विधायक रजनी तिवारी ने अस्पताल का भी निरीक्षण किया और मरीजों का हालचाल भी पूछते नजर आए। हरदोई जिला अस्पताल में इसके बाद मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। जैसे सिटी स्कैन मशीन का जहाँ पे शुभारंभ हुआ है, कई पेशेंट जिनको समय जिनका बेकार होता था लखनऊ जाने में, धनराशि उनकी व्यय होती थी लखनऊ जाने में, उनकी जो समय और धन का व्यय होता था वो बच सकेगा। इसकी वजह से आने वाले समय में डायलिसिस मशीन भी, इसकी भी यहाँ पे स्वीकृति हो गई है, जल्दी उसकी भी यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी, तो डायलिसिस के पेशेंट्स को भी भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ पीको, जिसमें छोटे बच्चों की नियोनेटल केयर होती है, नवजात शिशु जो जीवन से संघर्ष कर रहे होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल यूनिट वो भी राज्य सरकार की तरफ से हरदोई में स्वीकृत हो गई है। जल्द ही हम उसका भी यहाँ पे शुभारंभ कराएंगे। आने आने दिनों में जिला अस्पताल को इसी तरह से और सुदृढ़ बनाया जाएगा।